अरे आज तो उठने में बहुत ही देर हो गया, क्योंकि कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच था जिसमें हमारे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। और मैं जैसे ही मोबाइल को निकाल के टाइम देखता हूँ तो 10 बज चुके, लगता है मेरा घर ही खराब हो गया है। और कल का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और साथ ही सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और साथ ही पूरा इंडियन टीम को मेरी तरफ से सलाम है। और ऐसे मैच देखने के बाद एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आई है, वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप और नहीं खेलेंगे, मतलब T20 वर्ल्ड कप से वो दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया है। ये बस सुन के तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि अब ये दोनों नहीं खेलेंगे हमारे इंडिया टीम में। तो चलिए गाइस, आप मैं फ्रेश होके आता हूँ और फ्रेश होने के बाद न्यूज देखने बैठते हैं। और जब मैं फ्रेश हो जाने के बाद टीवी देखने आता हूँ तो देखो न्यूज में क्या दिखा रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमारे शहर में होने वाले बहुत ही बड़ा रैम चैलेंज जिसमें शहर के बड़े बड़े यूट्यूबर भाग लेने वाले हैं। अगर आप भी इस रैम चैलेंज में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस फॉर्म को फिलअप करके हमारे दिए लोकेशन में आ जाइए। तो ये चैलेंज शुरू होने वाले सुबह के 10 बजे, तो अगर आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सुबह के 10 बजे आप लोग हमारे दिए गए लोकेशन में जरूर आ जाइए। तो ये बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ और वहाँ पर जाने के लिए तैयारी करने में लग जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना गेटअप चेंज करके बाहर आ जाता हूँ और बाहर आ जाने के बाद मैं अपने गैरेज वाले दोस्त को कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई अच्छी कार ही नहीं है। उठाइए ना। हाँ भाई बोल, तुझे क्या चाहिए? भाई मुझे एक सेकंड हैंड कार चाहिए, क्या तेरे पास है? हाँ भाई तू आजा मेरे गैरेज में, मैं तुझे निकाल के देता हूँ कहीं से। ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद मैं अपने दोस्त के गैरेज में जाने के लिए अपने साइकिल को लेकर निकल जाता हूँ। तो जब तक मैं अपने दोस्त के गैरेज में पहुंच रहा हूँ तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो ऑलरेडी गाइस मैं अपने दोस्त के गैरेज में आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लग्जरी कार है। और ये कौन सी वाली कार है? लगता है यही मेरे लिए रखी है मेरे दोस्त ने। मैं ये वाली कार लेके अपने घर में जाने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में ले जाके इस कार को अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके फिर अपने कॉम्पिटिशन वाली एरिया में लेके जाऊंगा। फिर घर पे आ जाने के बाद इस ओमनी बैन को अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर लेता हूं। तो गाइस अब ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मैं ये ओमनी बैन लेके कंपटीशन वाले एरिया में जाने के लिए निकल जाता हूं। तो कुछ देर सफर करने के बाद मैं अपने कंपटीशन वाले एरिया में पहुंच जाता हूं। यहां पर आने के बाद देखो यहां पर तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आए। चलो मैं एक एक करके सबका नाम बता देता हूं आप लोगों को। तो नंबर 1 पर जो है वो है सौरभ जोशी, और नंबर 2 में है अज्जू भाई, और नंबर 3 पर है एलवी शहदा, और नंबर 4 पे है इस गेम के ओनर यानी रोहित गेमिंग, और नंबर 5 पर है नोब गेमिंग गुरु। तो गाइस आप लोग कौन सी यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अब रेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाएगा सौरभ जोशी। तो सौरभ जोशी के कार ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। चलो अब देखते हैं अज्जू भाई के कार का क्या होता है। तो अज्जू भाई का कार भी बहुत ही मेहनत के बाद नीचे आ चुका है। तो अब बारी एलवी शहदब की। तो एलबी शहदब की गाड़ी भी मस्त तरीके से नीचे आ चुकी है। अब बारी आती है रोहित गेमिंग स्टूडियो की। तो चलिए देखते हैं रोहित भाई का क्या होता है। We'll be right back.
दोस्तों रोहित गेमिंग स्टूडियो का कार तो बहुत ही मस्त तरीके से नीचे आया है, ये देखे तो मन पूरा खुश हो गया। चलो आप बारी आते गेमिंग गुरु यानी गरीब भाई की। तो गाइस मेरा वाला को छोड़ के इन चारों यूट्यूबरों में से कौन से यूट्यूबर ने इस रैम चैलेंज को विन किया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर कौन है ये भी बता के जाना। और जाने से पहले आप लोग ऐसे प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।